हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आपको जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 31 मई 2020 है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और अपना अंदाज़े से बता रहा हूं मैं ये कि आपको जैसा कि पता ही है कि आजकल जो महामारी चल रही है, कितनी ख़तरनाक महामारी चल रही है, मैक्सिमम एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। और जहाँ तक कि सवाल है इस एग्ज़ाम का, तो इस एग्ज़ाम का भी पोस्टपोन होने के मैक्सिमम चांस हैं और ये एग्ज़ाम ज़्यादातर में पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ये पता है ये महामारी कितनी बुरी है और हर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। हर देश में, मैक्सिमम देश में लॉकडाउन है, और अगर आपका ये 3 मई को लॉकडाउन खुलता भी है किसी तरह से, तो पूरी तरह से नहीं खुलेगा, ये आपको ही पता है। और जो भी है आपका एग्ज़ाम सेंटर, ये सब मैनेज करने का काम भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। 31 मई है एग्ज़ाम डेट, तो चांस ये हैं कि पोस्टपोन होगा, मैक्सिमम चांस यही हैं। अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद आगे का सिचुएशन पता चलेगी कि आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, या लॉकडाउन और आगे बढ़ेगा। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं और इस एग्ज़ाम के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ढील ना दें इस वजह से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता भी है तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो जल्द से जल्द कराने की कोशिश की जाएगी यूपीएससी के थ्रू। और अगर पोस्टपोन नहीं होता है और आपने ढील दे दी, तो आपको जो आपका सपना है क्रैक करने का, आईएएस या आईपीएस बनने का, वो भी ढील पड़ जाएगा, उसमें भी फिर दरार आ जाएगी और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो डील बिल्कुल ना दें। अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, आगे बढ़ता, तो इस तरह से आपको फ़ायदा ही मिल रहा है, थोड़ा और टाइम मिल रहा है आपके लिए, ताकि आपका जो कमज़ोर पक्ष रह गया है, कम वीक सब्जेक्ट रह गया है, उसमें आप पकड़ बना सकें और फाइनल सिलेक्शन की तरफ अपना हाथ बढ़ा सकें। तो बिल्कुल ढील मत देना, एक तरह से ये समझना अगर पोस्टपोन हो रहा है तो आपको और अच्छा टाइम मिला है, और अपनी तैयारी में दुगनी मेहनत कर देना कि इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है, इस तरह से मेहनत करना। और ये मेरी राय थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पोस्टपोन होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे आपको सही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं।